प्रदेश सरकार द्वारा बरसात में खड्डों में खनन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद जिला कांगड़ा के अंतर्गत ज्वाली उपमंडल नूरपुर उपमंडल इंदौरा विभिन्न खड्डों जिसमें छों गज खड्डों और व्यास नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद करके सोया है। यह अवैध खनन देहर नदी में हो रहा है जिसका पानी अभी बरसात के कारण काफी बढ़ा हुआ है। पानी के तेज बहाव में कई दुर्घटनाएं भी घटित हुई, परंतु यहां के लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं। प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने के भी इंतजाम नहीं किए गए। अगर देहर खड्डा का पानी बढ़ जाता है तो लोगों की अपनी जान पर बन सकती है। ऐसे हादसे चंबा जिले में हो चुके हैं। जैसे हाल ही चंबा जिले में रावी नदी का पानी बढ़ जाने के कारण अवैध खनन करने वाले रावी नदी के बीच में फंस गए थे, परंतु प्रशासन ने जैसे तैसे करके उन्हें निकाल लिया था। लोगों का कहना है कि बरसात में प्रतिबंध के बावजूद ज्वाली व नगरेटा सूर्या में देहर खड्ड प्रतिदिन क्रेशर मालिक जेसीबी व ट्रैक्टरों से अवैध खनन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी अप्रिय घटना के घटित होने के इंतजार में बैठा है। कांगड़ा से गगन ललगोत्रा। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।